नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में हम बस बात करेंगे क्रोनोलॉजी की, घटनाक्रम की। क्रोनोलॉजी दंगा फैलाने की, दंगा फैलाने की साजिश करने की, नफरत फैलाने की क्रोनोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, इसकी ताजा मिसाल देश की राजधानी दिल्ली ने देखी 8 अगस्त को। 8 अगस्त को संसद से कुछ किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर एक भीड़ जमा हुई। यह भीड़ अचानक ही जमा नहीं हुई, बाकायदा तैयारी चल रही थी, पोस्टर निकल रहे थे, इसके आयोजक अपने अपने बयान जारी कर रहे थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। हम बात उन वीडियोस की नहीं करेंगे क्योंकि दंगा फैलाने वाले जरूर चाहते हैं कि हम दंगा फैलाने के मकसद से जो वीडियो जारी करते हैं, जो बनाए जाते हैं, उन्हें दिखाएं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले। इस तमाम घटनाक्रम पर ध्यान तब गया, FIR तब हुई जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जो आयोजक हैं, आयोजक के साथ साथ 6 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन यह सब दिल्ली पुलिस ने अपने आप नहीं किया। हम सब जो लोग जानते हैं, जिन्होंने वीडियो देखा है, जिन्होंने खबरें देखी हैं, हम सब ने देखा कि देश की राजधानी में जंतर मंतर पर, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता दिल्ली पुलिस की इजाजत के बिना, पिछले 13 दिनों से वहां किसान संसद चल रही थी और मैं बतौर पत्रकार कितनी बाधाओं को पार करते हुए, 3-3 बार चेकिंग करते हुए किसान संसद पहुंच रही थी। ये वही जंतर मंतर है, ये वही पार्लियामेंट स्ट्रीट है जिसके बारे में दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि उसने आयोजकों से कह दिया था कि ये आयोजन, यह विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद यह विरोध प्रदर्शन हुआ। मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त, गंदे, अश्लील, असंवैधानिक ढंग से नारे लगाए गए, उनको मारने और काटने की बातें कही गई, सब वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इसके आयोजक भी कौन है, वह भाजपा दिल्ली से सीधे सीधे जुड़े हुए लोग हैं, जो अश्वनी जो गिरफ्तार हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं। उनके साथ जब शुरू में जब प्रचार प्रसार फेसबुक पे चल रहा था, दिल्ली में तमाम जगहों पे जो बैनर लगा हुआ था, वह बैनर उस समय तो लगा हुआ था भारत बचाओ आंदोलन के बैनर के तहत, जिसको खुद मैंने देखा था, जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो प्रदर्शन हुआ वह भारत जोड़ो आंदोलन के तहत हुआ, बैनर वहां जो लगा हुआ था, दोनों के मुद्दे बिल्कुल एक थे। जो बैनर मैंने देखा उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो एक जमाने में पत्रकार हुआ करते थे, प्रेस क्लब के भी पदाधिकारी रहे हैं, उनका नाम था, और दूसरी तरफ अश्विनी नाम का नाम था, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और भाजपा के, दिल्ली भाजपा के पहले स्पोक्स पर्सन भी रहे थे। इन लोगों ने बहुत ही रोचक ढंग से आकर्षित करने के लिए 5 मुद्दों को केंद्र में रखा था। इन्होंने कहा था, कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, हम इस सरकार से 5 कानून मांग रहे हैं। अब देखिए जो इनका बैनर और पोस्टर है, दोनों ही भारत बचाओ आंदोलन और भारत जोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त को जंतर मंतर पर होना है, दोनों के बैनर और टेक्स्ट बिल्कुल एक है। समान शिक्षा, यानी जो रिलीजियस माइनॉरिटी अपने स्कूल कॉलेजेस चलाती है, मदरसे चलाती है, उसे बंद किया जाए। समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, यह सब कुछ ये लोग कर रहे हैं उस समय जब मोदी सरकार को सत्ता में काबिज हुए 7 साल से अधिक का समय हो चुका है, यानी तब से केंद्र में इन्हीं के पक्ष की सरकार है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चाहे वो पुष्पेंद्र हो या फिर अश्वनी, इनके पीछे, इनके जरिए क्या मकसद साधा जा रहा है। यह सारी क्रोनोलॉजी समझने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आखिर इस समय क्यों ये लोग इन मुद्दों को सामने लाकर युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस समय मोदी सरकार बाकी मुद्दों पर घिरी हुई है, किसानों के मुद्दे पे घिरी हुई है, महंगाई के मुद्दे पे घिरी हुई है, और वापस उसे हिंदू मुसलमान करने की बहुत जरूरत है।
क्योंकि यह अकारण ही नहीं है और यह अचानक ही नहीं हो रहा कि ऐसे समय जिस समय मोदी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, अपना पीआर मैनेजमेंट बहुत तेज कर रही है, ठीक उस समय उसके बहुत उग्र एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जिनका नाम इस पूरे प्रकरण में बहुत कम लिया जा रहा है क्योंकि शायद वह धरना प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे, लेकिन जब ये बैनर पोस्टर दिल्ली में लग रहे थे तो उनका भी फोटो वहां लगा हुआ था अश्वनी के साथ साथ। वजह क्या है? ये दोनों लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने का काम यह दोनों लोग बहुत लंबे समय से और बहुत सोचे समझे ढंग से कर रहे हैं। ऐसे में 8 अगस्त की तारीख को सामने रखना और उसके बाद जिस तरह के नारे लगे, उस नारे के पक्ष में इन भीड़ का उतरना, क्योंकि आप देखिए जब ये लोग गिरफ्तार होते हैं उसके बाद गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को का नारा देने वाला नेता कपिल मिश्रा पहला शख्स होता है इन लोगों के पक्ष में उतरने वाला। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उन्होंने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उस तरह के भड़काऊ नारे अश्वनी उपाध्याय ने नहीं लगाए, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई जबकि फलाना 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 लोगों की नहीं की गई। कपिल जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे केंद्र में सरकार किसी और की है, कपिल जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दिल्ली पुलिस की कमान किसी और के पास है। वो शायद भूल गए कि उन्हीं के प्रिय गृहमंत्री अमित शाह के पास दिल्ली पुलिस की कमान है। इस गिरफ्तारी के विरोध में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी आते हैं, सामने सामने आकर वह ट्वीट करते हैं और तमाम तरह की बातें जो हम आपको बताते रहे हैं कि वे लोग किस तरह से इस्लामोफोबिक नफरत फैलाते हैं, किस तरह से घृणा फैलाते हैं, वे सब बयान आपके सामने हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। यहां आप समझिए कि किस तरह से यही ब्रिगेड, यही भीड़ दिसंबर 2019 में दिल्ली को दंगों में झोंकने की तैयारी कर रही है। उस समय जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी समय कपिल मिश्रा सहित बाकी लोग देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं और नारे लगाते हैं गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। और यह इम्प्यूनिटी किसने दी? उसके बाद उस समय तो किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। कपिल मिश्रा भाजपा के नेता के तौर पे बहुत चमके और शायद जो आयोजक हैं इस प्रोग्राम के, 8 अगस्त के आयोजक हैं, उन्होंने भी सोचा होगा कि इसी तरह से नफरत फैलाकर दंगे वाली भाषा करके उनका भी राजनीतिक कैरियर चमक सकता है। कितने बड़े दुख और शर्म की बात है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR तक की, जब सामाजिक कार्यकर्ता अनहद संस्था से जुड़ी शबनम हाशमी और NFIW की महिला नेता एनी राजा दिल्ली पुलिस का दरवाजा खटखटाने पहुंची। उन्होंने यह वीडियो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सौंपा, यानी दिल्ली पुलिस इतना सो रही थी उसे पता ही नहीं चला कि जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर क्या हुआ, जबकि यह सारे वीडियो वायरल हो रहे थे। यह इस बात का जिक्र करना, शबनम और एनी राजा के समर्थन में खड़ा होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम, आप और हम जैसे बहुत से लोग यह सोचते हैं कि इस तरह के मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए, इन पर हंगामा करके होगा क्या, लेकिन यह रास्ता दिखा रहा है। और जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय भी आज 10 तारीख को जंतर मंतर पर प्रेम और अमन के लिए लोग इकट्ठा हुए, इस घटना के विरोध में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे थे, जिनको बड़े पैमाने पर पुलिस वहां मौजूद थी क्योंकि निश्चित तौर पर वे नफरत नहीं फैला रहे थे, वे अमन की बात करना चाह रहे थे, देश का तिरंगा लेकर वहां पहुंच रहे थे, उन सबको रोक दिया गया। लेकिन यह पहल दिल्ली के नागरिकों ने ली, यह बहुत जरूरी पहल है, इसे याद रखना और इस हौसले को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। 8 अगस्त को जो युवा वहां जमा हुए थे जंतर मंतर पे, सबकी उम्र बहुत कम है,
सबको नौकरी को लेकर चिंतित होना चाहिए था, देश की स्थिति को लेकर चिंतित होना चाहिए था, लेकिन ये नफरत के कारोबारियों ने उनके भीतर इतना गहरा जहर भर दिया कि सब मारने और काटने की बात कर रहे थे। अगर हम और आप मिलकर इस क्रोनोलॉजी को, नफरत की इस क्रोनोलॉजी को लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो शायद हम इस देश में अमन चैन कायम रख सकते हैं। शुक्रिया।